हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे कृष्ण एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा। आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिनका आर्मी का 1 नवंबर को पेपर है उन सभी विद्यार्थियों के लिए आज बहुत ही बड़ा सेशन हम लेके आए हैं आपके लिए। एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। काफी सारे विद्यार्थी कॉल या मैसेज कर रहे थे, सर हमें ऐसा स्टडी मटेरियल दीजिएगा जिससे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं आए। तो वो स्टडी मटेरियल हम लेकर आप सभी के बीच लाइव रूबरू हो रहे हैं। आज हम बात करने वाले आर्मी स्पेशल बैच जीटीओ ट्रेडमैन की बात करूंगा। आपका एआरओ या बीआरओ कोई सा भी हो उस पर कोई निर्भर नहीं करता। आपको पता है सबका आर्मी का ऑल ओवर हम बात कर लेते हैं, इंडिया में कोई भी एआरओ या बीआरओ हो सबका सिलेबस सेम है। तो जीटीओ ट्रेडमैन की हम बात करने वाले हैं, बाकी के लिए नहीं है तो वो आप वीडियो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको पता है जो चीज एकदम तैयार कर लेते हैं उन्हीं के लिए लेकर आते हैं। हम बात कर लेते कलर एक, बाकी के लिए हम नहीं दे सकते क्योंकि आपको पता है टाइम भी कम बचाता है, टाइपिंग मटेरियल बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए आपको पता है हमने जो तैयार कर लिया जीडीओ ट्रेडमैन के लिए, तो आपको टारगेट 1 नवंबर एग्जाम 2020 को टारगेट करके बनाया। संपूर्ण स्टडी मटेरियल कैसे मिलेगा संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो एक बार यदि आप लेना चाहते हो ये स्टडी मटेरियल, तो पहले बात तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि जो भी जानकारी अंत तक मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है, अपना नंबर कहां डालना है, वो सब जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एक चीज आप स्किप कर दोगे आप अपना व्हाट्सएप नंबर कहां डालना है, मोबाइल नंबर कहां डालना है, वो गलती हो जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलिए दोस्तों आप बात कर लेते हैं। फर्स्ट की बात करें तो आपको यहां दिखाई दे रहे इसमें आपको क्या मिलेंगे, ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिलेंगे। मॉक टेस्ट से जो आपको पता है हमने 20 प्लस ऑनलाइन मॉक टेस्ट तैयार किए आर्मी जीडीओ ट्रेडमैन के सिलेबस के आधार पर 50-50 प्रश्नों के। जैसे आपको पता है आर्मी का पेपर आता है प्रीवियस ईयर के पेपरों के अनुसार, एकदम न्यू पैटर्न पे हमने तैयार किया है। तो पहले बात तो आपको 20 प्लस ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिलेंगे। 20 प्लस का मतलब है 20 मिलेंगे, प्लस में आपको 4-5 और मिल जाएंगे जो आपको पता है पूरा सिलेबस का निचोड़ होगा, वो बहुत ही शानदार आपको मिलेगा। और प्लस में हम बात कर लेते हैं यानी कुल मिला के मॉक टेस्ट हो भले पीडीएफ वाला हो कोई भी स्टडी मटेरियल हो, उसमें कुल मिला के 3000 प्लस आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह मिलेगा आपको। यानी हम बात कर लेते हैं साथ में मॉक टेस्ट भी हो गए, उस साथ में हम बात कर लेते हैं टोटल प्रश्नों की बात करें तो 3000 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट के माध्यम से हो, भले ही आपको पीडीएफ के माध्यम से हो, वन लाइनर क्वेश्चन हो या मॉक टेस्ट हम बात कर लेते हैं मॉडल पेपर ई बुक के रूप में या किससे भी हो, सारा मटेरियल आपको मिलने वाला है। तो बहुत ही शानदार आज का सेशन होने वाला है। आर्मी के नए पैटर्न पर 50 प्रश्नों का मॉक टेस्ट होगा, केवल हिंदी माध्यम होगा। पहले तो आपको यह बात ध्यान देनी है, इंग्लिश मीडियम वाले आप लेना चाहो तो ले सकते हो, बाकी केवल यह हिंदी मीडियम में माध्यम है तो फिर मत कहना सर यह हिंदी में है, हम इंग्लिश मीडियम से है, तो ये आप फिर गलती मुझे मत देना, क्योंकि मैंने जो भी जानकारी होती है मैं आपको पहले बता देता हूं। आपके पास स्मार्टफोन होना अनिवार्य, क्योंकि आपको पता है अब एग्जाम पास आ गए तो अपने भाई या पिता किसी का भी स्मार्टफोन हो वो आप यूज ले सकते हो, लेकिन आपको मॉक टेस्ट देने के लिए ऑनलाइन स्मार्टफोन के माध्यम से देना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है स्मार्टफोन में आपका मॉक टेस्ट खुलेगा। आपको पता है जो आप साथ में आप आंसर की लगाने के लिए अपनी जो ओएमआर शीट होती है वो भी पास रखिएगा, वो हम आपको भेज देंगे ताकि आप साथ में तो मोबाइल में टिक करोगे साथ में ओएमआर में भी भरना सीखना आपको। तो मैं संपूर्ण जानकारी जो हमसे जुड़ेंगे उनको मैं दे दूंगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं काफी सारे विद्यार्थी अरे सर कैसे लेना है जल्दी बताओ जल्दी बताओ, तो जल्दी बता देता हूं, थोड़ा सा आपको वेट करना है। देखो मैं बता देता हूं अब इसकी प्राइस क्या रखी, जल्दी से कमेंट करके बताएगा इसकी प्राइस क्या रखनी चाहिए। इतना मटेरियल आपको मिलने वाला है वो भी बहुत शानदार न्यू पैटर्न के अनुसार, जल्दी से बताएगा एक बार इसकी प्राइस क्या रखे, जल्दी से देखते कौन कौन विद्यार्थी बहुत शानदार मैटर। अब आप कहोगे सर क्या रखेंगे, जल्दी बता दो कोई दिक्कत नहीं है, आपसे निर्णय लिया है तो आपके लिए लिया है, सब कुछ आपके लिए लिया है, ठीक है। आपने मुझे कॉल या मैसेज किया इसीलिए मैं ये मॉक टेस्ट तैयार किया है, आपके कहने पे तैयार किया है और आपके वाजायब हम बात कर लेते हैं, एकदम सही पेमेंट रखेंगे, बिल्कुल भी इसमें हम ज्यादा नहीं करेंगे। तो आपको चलिए मैं दिखा देता हूं हमने जो निष्कर्ष लिया है, तो वो लिया आपका 100 रुपए का, 100 रुपए चार्ज रहेगा, ओनली 100 रुपए, और आपको यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा, यानी आपकी यूजर आईडी ऑनलाइन मॉक टेस्ट की यूजर आईडी और पासवर्ड आपके पास अलग से भेजा जाएगा, तो वो भी आपको पता है ये सिक्योर सिस्टम के माध्यम से हमने तैयार करवाया है, तो वो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबके पास अलग अलग यूजर आईडी और सबका अलग अलग पासवर्ड होगा, और अपनी यूजर आईडी किसी के साथ शेयर करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि वो यदि पासवर्ड आपका चेंज कर देगा तो फिर आप लॉग इन नहीं कर पाओगे, वो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। जिस प्रकार आप अपने व्हाट्सएप फेसबुक के पासवर्ड किसी को नहीं बताते फेसबुक को हो, या उसी तरह आपको सिक्योर रखना पड़ेगा, वो तो आपका दायित्व होगा। हम आपको केवल आपके मोबाइल नंबर से रजिस्टर करके आपको यूजर आईडी और पासवर्ड आपको प्रोवाइड कर देंगे,
फिर आप प्रत्येक मॉक टेस्ट को चाहो उतनी बार रिपीट कर सकते हो, चाहो उतनी बार दे सकते हो। 10 बार हमने लिमिट रखी, 10 बार काफी होती है। एक पेपर को आप 10 बार निकाल लोगे तो आपको पता है पूरा प्रश्न याद हो जाएगा। जैसे आप टिक करोगे तो आपको दिखा देगा गलत किया या सही, मतलब पूरा सिस्टम सिक्योर हमने किया है, बहुत ही शानदार है। अब बात कर लेते हैं यानी पेमेंट का किस माध्यम से कर सकते हैं आप, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या यूपीआई या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या कोई भी आपके पास हो, जैसे कई एयरटेल मनी यूज करते हैं, तो सबके लिए रहेगा। अब कैसे करना है वो पेमेंट में बता देता हूं आपको, डायरेक्ट नंबर पे नहीं करना है, कोई परेशानी होगी वो नंबर पे कर सकता है, लेकिन मैं बता दूं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा। अभी जाना नहीं है कैसे करना है पेमेंट, पूरा वीडियो देखिएगा, मैं पेमेंट करके एक बताऊंगा, एक आपका कोर्स लेकर मैं बताऊंगा खुद, ताकि आपकी कोई परेशानी न हो किसी भी तरह का। तो इसलिए एक बार वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि अब बहुत ही शानदार होने वाला है, तो आप जल्दी से वो वीडियो देखना है। इससे पहले मैं अपना नंबर दे देता हूं ताकि आप कभी भी कॉन्टेक्ट करना चाहो, कोई भी परेशानी होती है तो ये मेरे नंबर है 90 57 16 70 27। ये व्हाट्सएप पे सब जगह मौजूद है, व्हाट्सएप पे या गूगल पे, फोन पे, किसी भी तरह की यहाँ नहीं करना, इस नंबर पे पेमेंट नहीं करना है, फिर कह रहा हूँ, क्योंकि उससे फिर हमारा आपका यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट नहीं होगा, हमें दिक्कत होगी, हमें करना पड़ेगा। इसलिए आपको जो डिस्क्रिप्शन लिंक है वहां से करना रहेगा, एक बार वीडियो पूरा देखो। अब मैं बता देता हूँ पेमेंट कैसे करना है, तो चलिए मैं पेमेंट वाला, जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने मैं अब दिखा देता हूँ उस तरह का इंटरफेस खुलेगा और मैं एक पेमेंट करके आपको बता देता हूँ ताकि आपकी कोई भी तरह की परेशानी न हो। चलिए देखते हैं वो पेमेंट कैसे करते हैं। जैसे ही आप सभी विद्यार्थी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा, उस पे आपको अपनी डिटेल फिलअप करनी है। अब मैं यहाँ बताने वाला हूँ आपको कहाँ कौन सा मोबाइल नंबर डालना है, ध्यान से सुनिएगा। अब वीडियो छोड़ के आपको नहीं जाना बीच में, क्योंकि आप फिर समझ में नहीं आएगा, आप दूसरे मोबाइल नंबर डाल दोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ मैंने आपको दे रखा है आर्मी जीडी टीडीएन ऑनलाइन मॉक टेस्ट आर्मी स्पेशल बैच 1 नवंबर एग्जाम, यानी जिनका 1 नवंबर को आर्मी का पेपर है उन्हीं के लिए। इसमें 20+ ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्रत्येक मॉक टेस्ट में आपके 50 क्वेश्चन होंगे, मिक्स होंगे, यानी हम बात कर लेते हैं सारा मिश्रित होगा, जीके, साइंस और मैथमेटिक्स सारा होगा। फिर आपको यहां अपनी डिटेल फिलअप करनी है, जैसे मैं एक डिटेल आपको फिलअप करके बता देता हूं। मैं जैसे यहां डाल देता हूं आरजी, अपना नाम डालना है, जैसे मैं किशन लाल खिचड़ डाल देता हूं, अपना नाम किशन लाल ये डाल देता हूँ खिचड़। और आपको यहाँ अपनी ईमेल आईडी डालनी है, जैसे मैं डाल देता हूँ आरजे किशन एजुकेशन, जो हमारी ऑफिशियल ईमेल आईडी है वो मैंने डाल दी है। यहाँ आपको डालना अपना मोबाइल नंबर, जैसे मैं अपना नंबर डाल देता हूँ, आपको पता है मेरा कौन सा नंबर है, ये मैंने डाल दिया है। नंबर डालने के बाद यहाँ आपको अमाउंट फिलअप करना है, अमाउंट आपको पता है 100 रुपये चार्ज है, तो आपको 100 रुपये करना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है, नेक्स्ट वाले। अब यहाँ ध्यान रखिएगा अपना मोबाइल नंबर कौन सा डालना है, जो आप व्हाट्सएप पर यूज करते हैं वही मोबाइल नंबर डालिएगा, क्योंकि हमारा सिस्टम होगा आपको अपने आप यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट करेगा, वो हम जल्द ही आपको कॉल या मैसेज करके बता देंगे, तो आपको कॉल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यदि आप कोई जानकारी लेना चाहो तो कर सकते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, अपना व्हाट्सएप नंबर डालना है, या फोन नंबर में कौन सा डालना है, अपना व्हाट्सएप नंबर डालना है जो आप जिस पे आप मॉक टेस्ट देना चाहते हो, उस पे आपको पता है अपना यूजर आईडी पासवर्ड और लिंक भेजा जाएगा, आपके जो आईडी होगी, जो मॉक टेस्ट का लिंक होगा वो जनरेट किया जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, मोबाइल नंबर एक बार चेक कर लेना, गलत डाल देना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट पे करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें यदि आप पेटीएम, गूगल पे ये यूज करते हैं तो जो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करना है, और यदि आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का मतलब होता है एटीएम, कोई विद्यार्थी यदि एटीएम यूज करता है तो उसको डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यदि आप भीम, यूपीआई इनमें से कोई यूज करते हैं तो आपको क्या करना है, ऊपर वाला फर्स्ट वाला है ना उस पर क्लिक करना है। सारे ऑप्शन आपके सामने आपको बेस्ट लगे वो कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आपके पास गूगल पे, फोन पे नहीं है तो अपने किसी साथी, पिता, भाई, किसी का भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ हमने एक बहुत ही बढ़िया सुविधा आपको दे रखी है। देखिएगा आप जब पेमेंट करोगे तब आपको मालूम होगा, जैसे आप भीम, यूपीआई, जो पेटीएम, गूगल पे का संकेत दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करोगे, यदि आपको जो एटीएम कार्ड है तो उससे भी कर सकते हैं डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके। चलिए मैं पेटीएम या हम बात कर लेते हैं गूगल पे, फोन पे के माध्यम से एक पेमेंट करके आपको दिखा देता हूँ। अब आपको क्या करना है, यहाँ कुछ नहीं करना, आपके पास गूगल पे है या फोन पे है कौन सा है उस पर क्लिक करना है। आपको बताइए चार्ज 7 रुपये जो जीएसटी की चार्ज है या जो भी है वो आपको कटेगा, यानी 107 रुपये कुल मिला के होगा, और आपको यहाँ ऊपर जो भी डिटेल है वो दिखाई दे रही है ऊपर, तो कोई दिक्कत नहीं। अब बात कर लेते हैं आपको जो, यदि आपके पास फोन पे है तो फोन पे वाले पे क्लिक कीजिए, गूगल पे है तो गूगल पे पे क्लिक कीजिए। चलिए मेरे पास मान लेते हैं फोन पे है तो मैं फोन पे वाले पे क्लिक करूंगा। तो अब काफी सारे विद्यार्थी यहां से कंफ्यूज हो जाते हैं ये यूपीआई आईडी क्या होती है, तो आपको कुछ नहीं करना, जो फोन पे या गूगल पे नंबर है ना आपका जिससे आप पेमेंट करना चाहते हो,
जैसे मान लो आपका कोई भी नंबर है उस पे आप गूगल पे फोन पे पेटीएम यूज करते हो, यदि आप किसी पे भी करोगे पेटीएम गूगल पे फोन पे तो आपको यहाँ यूपीआई आईडी मांगेगा, तो आपको अपना नंबर डाल देना है। जैसे मैं 9097 से कर रहा हूँ पेमेंट, तो आपको ये नंबर डाल देना है। ये नंबर नहीं डालना आपको, क्योंकि आपका नंबर डालना जिससे आप पेमेंट करोगे, ध्यान दीजिएगा ये बात इंपॉर्टेंट है। आपको कौन सा नंबर डालना है जिससे आप पेमेंट करना चाहते हो, अपना भाई का साथी का कोई का भी नंबर है वो डाल दो। आपको ऑटोमेटिक सिस्टम देखो कितना शानदार हमने प्रोवाइड किया है। अब आपको कर देना वेरीफाई, और जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करोगे तो आपके पास फोन पे या गूगल पे वाला जो ऐप होगा ना जिसमें वो यूज कर रहा है नंबर, उस पर उसके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा पे नाउ का, तो वहां से आपको पे नाउ कर देना। चलिए मैं बैक लेके आपको दिखा देता हूं इसको मिनिमाइज करके। अब आपको यहां मिनिमाइज कर सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं। अपना साथी कोई है उसको कॉल करके बता दो कि आपके फोन पे या गूगल पे यहां नंबर आपको वो डालना है फोन पे गूगल पे वाला, और पहले वाला नंबर था वो आपको व्हाट्सएप नंबर आपका खुद का डालना है। तो यहां कोई दिक्कत नहीं, आपको अलग अलग नंबर डालने हैं तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि हमारे पास फोन पे गूगल पे नहीं है, अपने साथी के साथ है तो उनके पास वाले डाल दो और उसको बोल दो कॉल करके कि आपके पास ये नोटिफिकेशन आया पे कर दो, तो आपका नंबर सेव हो जाएगा हमारे सिस्टम में, सब कुछ डाटा सेव हो जाएगा। फिर आपको हम मैसेज कर देंगे, कॉल कर देंगे, टेंशन बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है। घंटा एक घंटे में हम कॉल कर देंगे लगभग, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उस ऐप में जाना है। जैसे मैंने क्या किया था, मान लेते हैं मैंने किया था गूगल पे से, तो मैं गूगल पे फोन पे से किया था, मैं फोन पे वाले पे आया हूं तो आपको यहां नोटिफिकेशन शो कर देगा। जैसे ये खुल रहा है ऐप में खोल रहा हूं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको कुछ ही नहीं करना, अब आपको पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। किस पे क्लिक करना है, पे नाउ, पे पे आपको क्लिक कर देना। जब आप पे पे क्लिक करोगे तो आपको जो भी जल्दी से देख लीजिएगा, आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको पता है सेंड मनी जो भी आप करना चाहो, ऐसे मतलब आपके सामने पेमेंट करना आप जानते हैं फोन पे गूगल पे से नॉर्मली होगा, आपके कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ ये आ गया, और फिर आपको क्या डालना है, अपना जो है कोड डाल देना, मैं यहाँ डाल देता हूँ, और फिर कर देना पेमेंट। चलिए मैंने पेमेंट जैसे मान लो ये कर दिया तो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। आप हमारे पास कॉल कर सकते हो, सक्सेस होने के बाद कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई भी मतलब दिक्कत की सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे ये पेमेंट हो गया तो आपको निस्फिक्र होके आराम से पेमेंट कर देना, हमारे पास सारी डिटेल आ जाएगी, आपको कॉल मैसेज कर लेंगे, इस तरह से आपको पेमेंट करना रहेगा। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, जल्द लेने की कोशिश करिएगा। इसकी एक्सपायरी डेट मैंने पहले भी बता दिया था, 20 तारीख से पहले पहले आप करने की कोशिश करिएगा, ताकि जल्द से जल्द आपको 21 या 22 तारीख को हम मेटर प्रोवाइड कर पाए। चलिए दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।